रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसी अद्भुत शरणागति। पैगंबर मोहम्मद का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुरान जैसे अद्भुत ग्रंथ को इस संसार में लाने के निमित्त वे ही नहीं बने थे। अब जिनके मुख से कुरान निकली हो उन्हें समय की पूरी जानकारी तो रहनी ही थी। कहते हैं कि एक दिन मोहम्मद कुछ सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकल रहे थे। अचानक उनके कुछ शत्रु उनके पीछे पड़ गए। सिपाही तो घबरा गए पर मोहम्मद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। सिपाही हैरान रह गए, मौत पीछा करती आ रही है और मोहम्मद के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। तभी उनको दाईं ओर एक गुफा नजर आई, तब भी चुपचाप उसमें आश्रय ले लिया। सिपाही अब भी पूरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन मोहम्मद चुपचाप एक कोने में बैठे अपने सिपाहियों के इस हाल पर मुस्कुरा रहे थे। आखिर एक सिपाही से नहीं रहा गया, उसने मोहम्मद से पूछ ही लिया, अब क्या होगा। मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो समय जाने। हाँ, इतना तय है कि कुछ बुरा नहीं होगा। यदि हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा तो शत्रुओं के सिपाही हमें खोजते हुए यहाँ भी आ पहुंचेंगे, और हमारा कार्य बाकी होगा तो वे इस जन्म में हमें कभी नहीं खोज पाएंगे। और हमारा कार्य पूरा हुआ है कि नहीं, यह तय समय को करना है, हमें नहीं। सात महान लोग जिन्हें हम पैगंबर, संत व भगवान कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही उनके समय के प्रति संपूर्ण शरणागति है। समय की शरणागति यानी उस महान कंप्यूटर के प्रति शरणागति जो सर्व हिताय सर्व सुखाय के उद्देश्य से सबको लेकर चल रहा है। बस उस महान समय की चाह उनकी चाह है, और जहाँ तक अपनी जाति चाहों का सवाल है,